हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराय टी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई भर्ती लेकर आ चुके हैं। दोस्तों आज की जो भर्ती है मध्य प्रदेश के आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में दोस्तों निकाली गई है और इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पद आपके सहायक ग्रेड 3 एनलिपिक का पद रहेगा, लेखापाल का पद रहेगा, क्षेत्र अधिकारी का पद रहेगा। आप लोगों को दोस्तों 25/11/2024 तक यहाँ पे करना आवेदन। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली, कौन कौन आवेदन कर सकता है। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पे आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की सारी इन्फॉर्मेशन या भर्ती संबंधी जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते हैं पोर्टल पर देख लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को जाना है गूगल पर, यहाँ पर लिखना है जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश। जैसे ही आप लिखोगे आपको करना स्क्रॉल, यहाँ पर करोगे स्क्रॉल, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ठीक है जनजाति कार्य विभाग, इस पे करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे इसका जो होम पेज है हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ओपन। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये हो चुका है आपके सामने ओपन। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा फर्स्ट भी रहेगा नोटिफिकेशन, इसको करना डाउन। जैसे ही आप लोग देखिए नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो आपका जो पद रहेंगे दोस्तों वो रहने वाले हैं कौन कौन से, तो सहायक ग्रेड 3 लिपिक टाइपिस्ट का रहेगा, लेखापाल का रहेगा, क्षेत्र अधिकारी का पद रहने वाले। दोस्तों यहाँ पर जो पद रहने वाले वो रहेंगे दिव्यांग आवेदक के पद रहेंगे। दोस्तों आपका चयन होगा इंटरव्यू के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दिव्यांग में अलग अलग कैटेगरी पद रहेंगे, ठीक है यहाँ पे। और देख लो दिव्यांग के आपका एक पद रहेगा, लेखापाल का दोस्तों एक रहेगा, क्षेत्र अधिकारी का एक पद रहेगा, ठीक है। आपका जो रहेगा आवेदन तो देखिए 25/11 तक आपको भेजना है, ठीक है। और आपका दोस्तों जो होगा यानी जो कार्यालय का नाम किस जगह आपको भेजना है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ एड्रेस, इस एड्रेस पे दोस्तों आप लोग जो रहेंगे आवेदन वो यहाँ पे दोस्तों आपको भेज देना है, ठीक है यहाँ पे, कब तक 25 तक। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता की। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, पहला जो रहेगा आपका सहायक ग्रेड 3 एनलिपिक का रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो वेतन है 19,500 से आपको वेतन प्रारंभ होता है। लेखापाल का जो रहेगा वेतन वो 23 आपके 25,300 से प्रारंभ होता है। क्षेत्र अधिकारी का रहेगा 36,000 से प्रारंभ होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता की। देखिए जो रहेगा आपका सहायक ग्रेड 3 एनलिपिक का, यहाँ पे आप लोगों के पास 12वीं पास हो, दूसरा दोस्तों आप लोगों के पास कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा हो, और ठीक है ना यहाँ पे या PDC हो या IT हो तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, ठीक है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे जाओगे नेक्स्ट पद रहेगा आपका लेखापाल का। तो लेखापाल के लिए देखिए यहाँ पे आप लोगों ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने वाणिज्य विषय में स्नातक उपाधि एवं कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, और तो आप लोग कर सकते हैं, अनुभव भी अधिमान्य यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा पद रहेगा क्षेत्र अधिकार का, नेक्स्ट पद रहेगा इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं कंप्यूटर संचालन का ज्ञान आपका होना अनिवार्य रहेगा, MBA को अधिमान्य यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को जो रहेगा आपका जाति वहाँ पर लगाना पड़ेगा, मूल निवासी लगाना पड़ेगा, आपकी 18 से 45 बस रखी गई है, ठीक है। तो ये आपके जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं विकलांग के वो भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और आप लोगों को दोस्तों ये जाएगा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, और भर का जो इनका एड्रेस है इस एड्रेस दोस्तों आपको यहाँ पर भेज देना है। तो दोस्तों जिनके पास युक्त क्वालिफिकेशन है जो आवेदक विकलांग है वो आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक।